Audio Jungle. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कालपी तहसील के मंगलोर गांव में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश पुलिस की जमकर सराहना की, साथ ही पुलिस को और ज्यादा संसाधन बढ़ाने की वकालत भी की। मंगरोल में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण को 2010 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत मंजूरी मिली थी, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय तत्कालीन DG प्रशिक्षण BL यादव को है। 1986 में जब BL यादव जालौन में SSP थे, मंगरोल इलाके में दुर्दांत दस्यु गिरोह सक्रिय था। कई बार BL यादव के नेतृत्व में पुलिस और डकैतों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। DG प्रशिक्षण रहते हुए उन्होंने इसी कारण मंगरोल में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खुलवाने के लिए जोरदार पैरवी की। उनकी ही पैरवी की वजह से बरेली में स्वीकृत किया गया पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जालौन जिले में शिफ्ट हो गया। एक्सटेंशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 9 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल चल रहे थे। सुल्तानपुर और मंगलोर में नए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल शुरू होने से इनकी संख्या 11 हो गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में लगभग 1,00,000 से अधिक खाली पदों पर उनके कार्यकाल में भर्तियां की गई। यह पहली बार हुआ जब पुलिस की भर्तियां भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद से पूरी तरह दूर रहीं। सभा का संचालन DG प्रशिक्षण सुजान वीर सिंह ने किया। DGP OP सिंह भी मौजूद थे। बाइट जालौन कालपी से भूपेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।